नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो कल हमें मार्केट में शायद एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। आज की बात करें तो आज निफ्टी ने 25,950 तक ट्रेड कर रही है, लेकिन मार्केट में एक डाउनफॉल भी हमें देखने को मिला और फिर हमें एक अपर साइड लेवल भी देखने को मिला। लेकिन मार्केट में जो डाउनफॉल आया उसकी वजह हम एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी ने आज 26,000 का टारगेट क्रॉस किया, वहाँ पर बुल सस्टेन नहीं कर पाए और फिर वहाँ से सीधा मार्केट 25,900 पे आगे रुक गई और वहाँ से थोड़ा सा अपर साइड लेवल यानी 25,950 तक मार्केट गई। और सेम हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने आज रिकॉर्ड हाई 54,200 तक का किया और फिर वहाँ से जो सेलर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने मार्केट को सीधा 53,900 को तक लेके गए और वहाँ से हमें थोड़ा सा अपर साइड देखने को मिला। तो दोस्तों, ये सिनेरियो हमें शायद कल भी देखने को मिल सकता है क्योंकि मार्केट दो लेवल्स के बीच में फंसी हुई है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी 54,200 का जो लेवल है यहाँ पे सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ पे अगर मार्केट जाती है तो वो सीधा 53,900 पे लेके चले जाएंगे और अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो यहाँ पे बुल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है जो मार्केट को सीधा अपर की साइड पुश करेंगे। तो दोनों ही में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है सेलर्स और बायर्स में, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। या तो सेलर्स मार्केट को डाउन साइड में लेके जानेंगे या फिर बुल्स इसे और अपर साइड में लेके जाएंगे। तो देखना रह गया, अगर मार्केट जब तक इन दोनों रेंज में फंसी रहेगी यहाँ से कोई भी बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें मार्केट में बुल्स और बियर्स की रेंज में, तो मार्केट अगर 54,200 का लेवल अगर क्रॉस नहीं करती तो यहाँ से बुल्स एक्टिव नहीं होने वाले और अगर मार्केट यहाँ से 53,900 का लेवल क्रॉस नहीं करेगी, अगर यहाँ से लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो नीचे का विंडो नहीं खुलने वाला। नीचे का लेवल अभी भी बियर्स के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर बुल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो दोस्तों, ये दोनों ही लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट एक बीच में फंसी हुई है बुल्स और बियर्स की लड़ाई के बीच में। तो अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, एक बड़ा प्रॉफिट की अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर मार्केट यहाँ से अगर 53,900 का लेवल क्रॉस करती है डाउन साइड में तो ही आपको ट्रेड लेने में फ़ायदा है बियरिश मार्केट में। या फिर मार्केट अगर बुल साइड में 54,200 का लेवल क्रॉस कर देती है तो ही अपर साइड में ट्रेड ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सेम हमें निफ्टी में भी देखने को मिला। निफ्टी ने आज रिकॉर्ड हाई 26,000 का बनाया जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से मार्केट सीधा 25,900 तक डाउन साइड में भी हमें दिखाई दी क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे 26,000 के ट्रेड पे और यहाँ से मार्केट जो सीधा आई 25,900 पे, यहाँ पे बुल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और उन्होंने मार्केट को थोड़ा अपर साइड पे भी पुश किया। तो ये बुल्स और बियर्स की लड़ाई साफ देखी जा सकती है। मार्केट में 100 पॉइंट्स का गैप भी देता है इन दोनों ही रेंज में। तो अगर आपको छोटा मोटा प्रॉफिट बनाना है तो आप इसमें एक छोटा मोटा प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं, लेकिन जब तक मार्केट इन दोनों ही रेंज में फंसी हुई है तब तक हमें कोई भी बड़ा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर हम FIs और DIs का डाटा चेक करें जो कि आज के दिन का 24 सितंबर 2024 का है, तो उससे हमें ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ये डाटा आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, DIs ने जो आज बाइंग की है वो 15,939 करोड़ की बाइंग की है और जो सेलिंग हुई है DIs की तरफ से वो 12,071 करोड़ की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी अमाउंट में बाइंग और सेलिंग हुई है DIs की तरफ से। और सेम हम अगर हम FIs की बात करें तो FIs ने भी 20,111 करोड़ की बाइंग की है और जो सेलिंग हुई है यहाँ पे FIs की तरफ से वो 22,895 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे DIs और FIs दोनों ही बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। जो इनका नेट वैल्यू निकल के आ रहा है DIs का वो 3,868 करोड़ का है और जो FIs का जो नेट वैल्यू है वो माइनस में 2,784 करोड़ का है, जिससे साफ पता चलता है कि जो DIs है वो मार्केट को और ऊपर उठाना चाहती है और जो FIs है वो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करने के मूड में है। तो दोस्तों, दोनों के ही अलग अलग माइंडसेट है मार्केट के लिए। कल मार्केट में इन दोनों का ही जो नेट वैल्यू है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो शायद मेरे हिसाब से जो DIs की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है
तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ने वाला है। मार्केट शायद यहाँ से पॉजिटिव रहने वाली है, और बाकी अगर लेवल अपना क्रॉस कर देती है तो शायद यहाँ से हमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है। दोस्तों इस डाटा का असर कल मार्केट में हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर हम ग्लोबली मार्केट की बात करें तो एशिया में हैंग शेंग 753 पॉइंट अपर साइड पे है, जापान में निकी 216 पॉइंट अपर साइड पे है, सेंसेक्स में हमें गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव साइड में है। और अगर हम यूएस की मार्केट की बात करें तो यूएस में डाउ जोन्स 62 पॉइंट अपर साइड पे है, नज़दाक -46 पॉइंट डाउन साइड पे है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो हमारे इंडेक्स सारे पॉजिटिव है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में हमें गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों कल के दिन मार्केट में अगर लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट इस रेंज के बीच में ही फंसी रहेगी, और इसमें ट्रेड लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल नहीं होने वाला, मार्केट साइडवेज भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको एक बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, दोनों ही लेवल चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर जब तक दोनों ही लेवल ब्रेक नहीं होते तब तक मार्केट कोई बड़ा मूव नहीं देने वाली, तो ट्रेड अपना सोच समझ के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।